उत्पत्ति अध्याय 5। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा, और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ उससे एनोश उत्पन्न हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महलेल को जन्म दिया। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ।